मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलमेश्वर में मिले 29 संक्रमित, हिंगना तहसील में 3 की मौत, 70 ने किया रक्तदान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कलमेश्वर में मिले 29 संक्रमित। कलमेश्वर ब्राह्मणी शहर में 21 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में 29 संक्रमित मिलने से रविवार को कुल 50 कोरोना संक्रमित पाए गए। तहसील के खैरी 1, सावंगी 1, केतापार 1, सोनेगांव 1, दहेगांव 1, लोनारा 1, धापेवाड़ा 4, पोरगांव 1, वाडोना 2, आदासा 1, पार्डी 1, महेश पठार 2, कोहड़ी 2, घोराड 2, पानुबाली 3, तेलकामटी 1 का समावेश है। केवल धापेवाड़ा केंद्र में 10 लोगों का दूसरे डोज का कोरोना टीकाकरण किया गया। वहीं शहर ग्रामीण चिकित्सालय में 66 का टीकाकरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रविवार को टेस्टिंग नहीं हुई। तो वही दूसरी ओर हिंगना तहसील में 3 की मौत। आज तालुका में कुल 49 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें वानाडोंगरी 13, डिगडोह 7, टाकलघाट हिंगना में प्रत्येक 5, नीलडोह में 4, भानसुली गोंडवाना में 3, रायपुर 2, वड़धामना सुकली बेलदार कान्नोली 12, देवली कालबांडे मांडव घोराट खैरी पन्नसे और ईसासनी में 1, ऐसे कुल 49 मरीज मिले हैं। अब तक रोगियों की कुल संख्या 11,044 है। इनमें से 8,909 मरीज कोरोना से उबर गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 237 हो गई है। तालुका में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तालुका में 11,000 से अधिक कोरोना रोगी है। तो वही तीसरे और 70 ने किया रक्तदान। युवा संघर्ष समिति कलमेश्वर ब्राह्मणी मित्र परिवार की ओर से कोलबा स्वामी देवस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 70 ने रक्तदान किया। समिति व मित्र परिवार ने कोरोना महामारी को लेकर ब्लड की कमी न हो इस दृष्टि से प्रेरित होकर यह आयोजन किया था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।